नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेल्थ एंड मोटिवेशन एंड हिंदी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल का, जो कि मोस्ट अवेटिंग रिव्यू है। इसके बारे में दोस्तों मेरे को 200 से ज़्यादा कमेंट्स और हमारे फेसबुक पेज पर कई मैसेज आ चुके हैं कि आप केश कांति ऑयल का रिव्यू कीजिए। रिव्यू होने के साथ यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि मैं इसे 2 महीनों से लगातार यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी मैं इसी ऑयल को यूज़ करता हूँ। आपको दोस्तों इस वीडियो में इसका ऑनेस्ट एनालिसिस देखने को मिलेगा और साथ ही मैं रिजल्ट्स के बारे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, और इस जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, जरा भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल की दोस्तों अगर प्राइस देखें तो इसकी प्राइस है वो 130 रुपये है और यह 120 ml का टोटल तेल है वो आता है। पतंजलि के सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज किए गए प्रोडक्ट्स में से यह एक है और पतंजलि स्टोर पर आपको यह अवेलेबल हो जाता है, नहीं तो आप मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भी आप ऑनलाइन इस ऑयल को बाय कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इसके पैकिंग की, तो पतंजलि ने बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से इस ऑयल को तैयार किया है, जो कि एक कार्टन बॉक्स में आता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसके अंदर की जो बोतल है वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई है और बहुत ही बढ़िया मटेरियल यूज़ किया गया है। अगर दोस्तों प्राइस क्या जो दोस्तों पैकिंग के कॉन्स की बात करें, तो इसमें थोड़ा सा दोस्तों लीकेज होने का जो चांस है वो रहता है, ऊपर के ढक्कन से थोड़ा बहुत ऑयल है वो लीकेज होता रहता है, इसके कारण मैं इसको ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है वो नहीं कहूँगा। जहाँ तक दोस्तों इस ऑयल के इन्ग्रीडियंट्स की बात करें, तो इसको पूरा नेचुरल तरीके से बनाया गया है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किए गए हैं और टोटल 21 तरह के इंग्रेडिएंट हैं वो इस ऑयल में शामिल किए गए हैं। बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इस ऑयल को बनाया गया है और इसमें शामिल हैं ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, मेहंदी, नीमलिप, बहेड़ा, हरड़, गिलोय, घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा, जटमानसी, हल्दी, नाग केसर, बाकुची, गढ़हल पुष्प, चरेला, यष्टिमधु, अनंतमूल, रसौत, वाचा, कोकोनट ऑयल और तिल ऑयल। ये जो दोस्तों 120 ml का जो ऑयल है इसमें सबसे ज़्यादा शामिल किया गया है तिल ऑयल, और साथ ही शामिल किया गया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल है वो टोटल 20 ml मिलाया गया है, तिल ऑयल और कोकोनट ऑयल के अलावा जो बाकी सब चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 ml शामिल की गई हैं। अगर दोस्तों बात करें प्रिजर्वेटिव की, तो इसमें BST शामिल किया गया है, जो कि एक नॉर्मल रेंज का प्रिजर्वेटिव है और इन जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है इसमें शामिल किया जा सकता है। साथ ही इसमें शामिल है सुगंधित द्रव्य, पूरी तरीके से दोस्तों केमिकल फ्री है। 99.9% जो ये ऑयल है वो केमिकल फ्री है, सिर्फ इसमें BST नामक एक रसायन है वो शामिल किया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल के क्लेम्स की, यानी कि यह कंपनी क्या क्या क्लेम्स करती हैं और इसके रिजल्ट्स है वो क्या देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों क्लेम्स की बात करें, तो मुख्य तौर पर 4 तरह के क्लेम हैं वो यह ऑयल करता है। बालों की जड़ों को मजबूत करना पहला, दूसरा है हेयर फॉल को प्रिवेंट करना, जो बाल हैं उनका उनमें कालापन लाना, यानी कि जो बाल है वो उम्र से पहले भूरे हो जाते हैं और सफ़ेद होने लगते हैं तो उसमें कालापन लाना, और स्प्लिट हेयर को कम करना, ये 4 तरह की जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसके बारे में रिजल्ट्स बताने वाला हूं। दोस्तों आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है, तभी आपको इस वीडियो के बारे में कम्प्लीट जो इस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। रिजल्ट्स की दोस्तों अब मैं बात करूँगा, तो इसके रिजल्ट्स को अगर देखें, पहला जो सबसे मेन मुद्दा है इसके ऊपर आए यानी कि हेयर फॉल की, तो दोस्तों यह हेयर फॉल को कम करता है। इसमें दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, 2 महीने तक लगातार यूज़ करने पर आपको रिजल्ट्स है वो देखने को मिलेंगे। यदि आप सोचते हैं कि 1 ही महीने में रिजल्ट दिखने लगेंगे, तो यह दोस्तों कुछ केसेज में नहीं भी हो सकता है, 2 महीने में आपको केसेज है वो देखने को मिलेंगे और ज़रूर आपका जो हेयर फॉल है वो कम होगा। हालांकि दोस्तों कुछ ऐसे अपवाद केसेज मिलते हैं जहाँ पर हेयर फॉल है वो कम नहीं होता है, लेकिन मोस्टली हेयर फॉल को यह कम करता है। इसमें दोस्तों आंवला, कोकोनट, भृंगराज और एलोवेरा, ये 4 जो तत्व हैं वो हेयर फॉल के लिए काम करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों जड़ों को मजबूत करने को लेकर, स्ट्रेंथन रूट्स के ऊपर अगर दोस्तों बात करें, तो इसके लिए दोस्तों आपको इस ऑयल को सही तरीके से अप्लाई करना है। जड़ों को यह मजबूत करता है, लेकिन सही तरीके से अप्लाई करेंगे अपने स्काल्प के ऊपर, अगर सही मेथड से ऑयल को अप्लाई करेंगे और आपका जो ऑयल है वो जड़ों तक पहुँच रहा है, यानी कि आप उंगुलियों से अच्छी तरीके से इतना अप्लाई करते हैं कि जड़ों तक ऑयल पहुँचे, तो यह आपकी जड़ों को मजबूत ही कर पाएगा। अब दोस्तों अगला रिजल्ट की ओर आते हैं, और अगला रिजल्ट है वो दोस्तों उम्र से पहले जो बाल हैं उनका कलर जो चेंज होता है, ग्रे होते जाते हैं और बाद में धीरे धीरे जो सफ़ेद हो जाते हैं, इनके ऊपर दोस्तों जो अगर कालापन खोने के ऊपर बात करें, दोस्तों यह ऑयल है वो आपको इसके संबंध में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बालों को काला बनाने में और बालों को नॉरिश करने में इस ऑयल की दोस्तों मास्टरी है और आप इसे ज़रूर यूज़ करें। चौथे रिजल्ट के ऊपर आते हैं दोस्तों, जो है स्प्लिट हेयर के बारे में, यानी कि दोस्तों 2 मुए बालों की समस्या है वो खास करके लोगों को परेशान करती हैं। अगर दोस्तों महिलाओं की बात करें, तो उनमें यह समस्या खास तौर पर देखने को मिलती है। इसके संबंध में अगर इसका बात करूं, तो भी इसका रिजल्ट ओके हैं और आप इसे यूज कर सकते हैं। स्प्लिट हेयर खास करके दोस्तों महिलाओं के लिए समस्या बन जाता है, और इसके लिए आपका जो ये केश कांति हेयर ऑयल है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब कुछ इस ऑयल के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आपको देना चाहूँगा, तो दोस्तों बात करूँगा इसके स्मेल के बारे में।
कुछ दोस्तों को इसकी स्मेल है वो अजीब सी लग सकती है, इसकी हर्बल स्मेल है वो थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन मेरे को अगर पर्सनली बात करूं तो इसकी स्मेल है वो जरा भी अजीब नहीं लगी है। दोस्तों इस केशकांति हेयर ऑयल के बारे में आप कंप्लीट डिटेल और भी अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, दोस्तों आप हमारे वेबसाइट है healthgyanonline.com उसके ऊपर जाकर आप इसको जरूर पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अब बात करूंगा दोस्तों आपको इस ऑयल को यूज कैसे करना है। आपको बालों को धोने के बाद अच्छी तरीके से बालों को सुखाना है, और आपको अच्छी तरीके से सुखाने के बाद आपको अपने स्काल्प के ऊपर इसको अप्लाई करना है। दिन या रात कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, रात को अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो कि दिन में बाहर काम करते हैं, क्योंकि इस ऑयल को यूज़ करने के बाद आप जब बाहर निकलेंगे दिन में सनलाइट में काम करेंगे तो यह ऑयल चिपचिपा लगेगा। और इस ऑयल की दोस्तों एक और कमी यह है कि धूप में या बालों में बहुत ज़्यादा बालों के अंदर खुजली है वो होने लगती है। अप्लाई करना बहुत ही आसान है, पूरे बालों के ऊपर अच्छी तरीके से फैल जाता है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा इस ऑयल के प्रोज एंड कॉन्स की, कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी और कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। अब दोस्तों अगर प्रोज की बात करें, प्लस पॉइंट की बात करें, तो दोस्तों बालों की केयर के मामले में बढ़िया है, मजबूत करता है बालों को, साइन देता है, ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाता है और बालों को काला भी बनाता है। डैंड्रफ के संबंध में दोस्तों देखें तो डैंड्रफ को भी कम करता है, और इसके संबंध में नीम है वो काम करता है। आपको सिर के ऊपर अच्छी तरीके से इसको अप्लाई करेंगे तो सिर दर्द में भी राहत देता है और नींद न आने की समस्या में भी काम करता है, और सभी हेयर टाइप्स के लिए ये सूटेबल है। आपको इसे स्नान से 2 घंटे पहले अगर आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद स्नान करते हैं तो स्नान के बाद आपको ऑयलिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपके बाल हैं वो शाइनिंग भी बने रहेंगे। तो यह थे इसके प्लस पॉइंट। अब बात करेंगे इसकी कमियों के बारे में, यानी कि कौन कौन सी ऐसी कमियाँ हैं जो मुझे चीज़ें इसके बारे में अच्छी नहीं लगी। पहली कमी है दोस्तों इसकी पैकिंग, थोड़ी बहुत लीकेज की समस्या है। दूसरी कमी है कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, प्राइस है वो अगर 100 हो जाए तो क्वांटिटी ठीक है, लेकिन 130 के हिसाब से थोड़ी इसकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी कमी में मुझे जो लगी वो ये है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है रिजल्ट देने में, 2 से 3 महीने लग जाते हैं परफेक्टली जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट देने में। चौथी जो कौन सा है वो इसका है खुजली, जो कि मैंने पहले ही आपको मेंशन किया, बालों के अंदर थोड़ी सी चिन्हस आने लगती है जब आप डायरेक्ट धूप के अंदर आधा घंटे से ज़्यादा खड़े रहते हैं, तब थोड़ा सा ग्रीसी है, यह भी इसका कौन सा है। और अगर आप इसको अप्लाई करने के बाद एक बढ़िया सी स्टाइलिश हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आपको ये हेयर स्टाइल देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको रात को ऑयल को अप्लाई करना है और दिन में आप कोई भी स्टाइल है वो बना सकते हैं। दोस्तों आपका अपना जो फेवरेट हेयर ऑयल है उसके बारे में आपको इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर मेंशन करना है, और साथ ही आपका जो एक्सपीरियंस इस ऑयल के बारे में रहा उसको आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। कंक्लूजन में कहें तो दोस्तों मैं इसको 5 में से 4 पॉइंट दूंगा। डेली यूज़ ऑयल में यह बहुत ही उपयोगी है और मैं आपको उसको यूज़ करने की सलाह दूंगा। हेयर केयर के मामले में इंडिया के सबसे बेस्ट ऑयल में से एक हैं। यह था दोस्तों कंप्लीट रिव्यू ऑफ पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल। इस वीडियो में आपको पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी ऐसी मुझे आशा है, और आप यदि कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करें, हम आपको रिप्लाई देंगे। और साथ ही इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर दें ताकि यह क्वालिटी वीडियो है वो सब तक पहुँच सके और सब इस वीडियो का फायदा उठा सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मोटिवेशन इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।